हेलो फ्रेंड्स, क्रोशेट एंड निटिंग लव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। देखिए इस तरीके से, सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। ये देखिए एक चैन बन गई, ये देखिए एक चैन हमारी बन गई है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये 17 चैन हमने बना ली हैं। ये लास्ट में 17वीं चैन पे हम थंब रखेंगे। थंब रखने के बाद में हम 3 चैन और बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर यही 3 हम स्किप कर देंगे और इसी 3 के बाद ये 4th चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया तो आपको पता ही है कैसे बनाई जाती है, नहीं पता है तो आप हमारी बेसिक क्रोशेट फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तरीके से अब हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमें 18 डबल क्रोशिया चाहिए, इसके लिए 17 हम लोगों ने चैन ली है और एक एक ये 3 की चैन है, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगी तो टोटल 18 हो जाएंगे। इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए टोटल 18 है, काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये 18 है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। वर्क को टर्न करेंगे। ये पहली वाली चैन के ऊपर ये 3 की चैन आ गई, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगी तो इस पर नहीं बनाएंगे, इस पर छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली बनाएंगे। ठीक है, इस पर स्किप करके नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बार, दो बार, टू टाइम्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर से दो बार बनाएंगे, 1, 2। इसी तरीके से हम हर एक चैन में दो दो बार बनाते हुए जाएंगे, कंप्लीट करेंगे बनाकर। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सभी में डबल क्रोशिया बना लिए, हर एक चैन में दो दो बार। और ये फर्स्ट वाली में 1 थी ये 3 की चैन, सेम इसी तरीके से लास्ट वाली में ये जो 3 की चैन है इस 3rd चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में एक एक है और बीच में सेंटर में आपके दो दो हैं, तो टोटल बीच में ये 16 डबल क्रोशिया है। 16 के ऊपर डबल डबल बनाए तो 32 हो गई और एक एक किधर है तो 34, टोटल 34 है आपके पास यहाँ पे डबल क्रोशिया। सेकंड राउंड में 34 है। अभी नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, 3rd राउंड में 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। वर्क को टर्न करेंगे। अब ये पहले के ऊपर तो ये 3 की चैन आ गई, एक डबल क्रोशिया काउंट होगी तो इस पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1, 2, दो बार बनाएंगे। ये पहले तो एक बार है, ये 3 की चैन है, इसके बाद दो बार बनाएंगे एक ही चैन में। फिर नेक्स्ट में देखिए एक बार, 1, 2,
तीन। अब ये थर्ड में दो बार बनाएंगे हम, थर्ड चैन में दो बार बनाएंगे। इसी तरीके से आप सेम तरीके से बनाते हुए जाएंगे। फिर से देखिए, ये पहले एक बार, फिर एक बार सेकंड में, एंड जब थर्ड में पहुंचेंगे थर्ड चैन में दो बार। हर थर्ड चैन में अब दो बार बनाते हुए जाएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना लिया है हर थर्ड चैन में दो दो बार। ये देखिए, यहाँ जैसे मैंने दो बार बनाया, फिर एक दो, ये सिंगल बनाया, फिर दो बार बनाया, फिर एक दो, ये एक एक बार बनाया सिंगल, फिर दो बार बनाया। अभी लास्ट में ये हमारे पास दो हैं, ये दोनों एक एक बार बनाएंगे हम लोग। दो चैन बची हैं, एक तो ये चैन, एक ये है और एक ये थर्ड, तीन चैन जो ली थी स्टार्टिंग में उसके थर्ड चैन में बनाएंगे। तो एक ये है, तो लास्ट में ये दो सिंगल बनी है। स्टार्टिंग में एक सिंगल था, फिर डबल था। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे, फोर्थ रो। तीन चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये फर्स्ट वाली चैन में नहीं बनाएंगे, इसमें तीन की चैन आ गई, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक, ये थर्ड रो कंप्लीट होते होते ये टोटल हमारे पास 45 डबल क्रोशिया थी इसमें, ठीक है। ये वाली 45 डबल क्रोशिया थी, फर्स्ट वाले में 18 थी, सेकंड वाले में हमारे पास 34 थी, एंड लास्ट ये थर्ड वाली में हमारे पास टोटल 45 डबल क्रोशिया होंगी, ठीक है। तीन, चार, पांच, ये देखिए पेन, ये टोटल हमने पांच डबल क्रोशिया बनाई है और एक ये तीन की चैन, तो टोटल हमारे पास छः हो गई हैं। अब हम आम होल की यहाँ पे घटाई करेंगे, उसके लिए चैन स्किप करेंगे। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस चैन स्किप करेंगे और इलेवेंथ चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। स्टार्टिंग में ये हमारे पास छः हैं, ये लास्ट में छः रहेंगी, तो छः 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 का दूना 12 होता है, तो लास्ट में हम पीछे की साइड में 13 डबल क्रोशिया रखेंगे, ठीक है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। ये देखिए टोटल हमारे पास 13 हो गई हैं। ये काउंट कर लेते हैं, दो, चार, छः, आठ, दस और ये तीन, 13। अब फिर से आम होल के लिए स्किप करेंगे हम चैन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस चैन स्किप करेंगे, इलेवेंथ चैन में डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखिए छः। स्टार्टिंग में हमारे पास छः थी और ये लास्ट में भी छः हैं। ये देखिए, ये अब हम
इसके बाद फिफ्थ रो बनाएंगे, लास्ट रो, तीन चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली चैन में ये तीन की चैन आ गई, उस पर नहीं बनाएंगे, इसको स्किप करके नेक्स्ट में बनाएंगे। अब ये टोटल हमारे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, 6 स्टार्टिंग में थी, लास्ट में 6 थी, तो 6 6 12 और 13 पीछे थी, तो टोटल 25 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास ये, तो हम 25 के ऊपर 25 बनाएंगे। और जब हम आर्म होल पर आएंगे तो ये आर्म होल वाली में यहाँ से फंदा ना उठा के, क्योंकि अगर हम यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे तो ये खींचा खींचा लगेगा, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ से ना उठा के हम अंदर से उठाएंगे इस तरीके से। इसमें मैंने 11 नंबर की क्रोशिया यूज की है, ये देखिए, और ये 4 प्लाई की वूल यूज की है, आप चाहें तो 3 प्लाई की भी यूज कर सकते हैं, सेम ही आएगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, आप चाहें अब यहाँ से घेरा बना सकते हैं, नहीं तो आप स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर तक इस तरीके से जा सकते हैं, वैसे मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है अभी तक कि थोड़ा सा ढीला ढीला ही स्लिप स्टिच करना है, नहीं तो टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चैन लेके हम धागे को कट कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमारी लड्डू पाल की चोली बन के रेडी हो गई है, 5 नंबर, ये देखिए। इसमें हमने 5 रो बनाई हैं, और फोर्थ रो में ये आमूल की घटाई की थी, चौथी रो में, उसके बाद एक रो और बनाई है। अब ये नीचे हमारे पास 6 इधर है, 6 इधर, 12, 13 पीछे, तो टोटल 25 डबल क्रोशिया है, टोटल 25 चैन है, यानी अब जब हम इसमें नीचे घेरा बनाएंगे तो हम 24 ही यूज करेंगे, 25 की 25 नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ 24 डबल क्रोशिया ही यूज करेंगे, ठीक है, 25 नहीं यूज करेंगे, एक हम इसमें स्किप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए चोली बन के रेडी हो गई है, आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं जो भी कमी है या जैसी बनी है आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।